गोवा के सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज गोवा में आके बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है, गोवा का मौसम बहुत खूबसूरत है, लेकिन गोवा में राजनीति बड़ी खराब हो गई है, राजनीति बड़ी करप्ट हो गई है। आज से 2 साल पहले 10 जुलाई को कांग्रेस के 10 एमएलएज अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। लोगों ने तो कांग्रेस को वोट दिया था, लोगों ने तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाने के लिए वोट दिया था, मैंडेट तो कांग्रेस को दिया था और गवर्नमेंट बन गई बीजेपी की। जिस पार्टी को लोगों ने 13 एमएलए दिए थे, आज वो पार्टी 28 एमएलए लेके बैठी है। जिस पार्टी को लोगों ने 17 एमएलए दिए थे, आज उसके 5 एमएलए बच गए। ये चल क्या रहा है? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये हर गोवन पूछना चाहता है कि फिर इलेक्शन क्यों कराते हो? आपस में पैसे ले दे के बांट के पैसे बैठ जाओ सारे के सारे, और आपस में ले दे के और बना लो सरकार, देन इलेक्शन बिकम्स अ फास। इलेक्शन का कोई मतलब नहीं बच जाता ना। जिस पार्टी को 13 एमएलए दिए, ऑपोजिशन में बैठने के लिए बोला, वो आज 28 एमएलए लेके और सरकार चला रही है। जिस पार्टी को 17 एमएलए दिए और कहा कि तुम गवर्नमेंट बनाओ, वो आज 5 एमएलए बचे और उनके भी शायद 2 के बेटे बेटियां जाके उसमें शामिल हो गए। ये तो चीटिंग है, ये तो सही नहीं है। जो एमएलए अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए, बीजेपी में गए, जब उनसे जाके लोग पूछते हैं अपने एरिया के, उस एरिया के, कि आप क्यों अपनी पार्टी छोड़ के गए, तो बोले कि हम रूलिंग पार्टी में जाना चाहते थे ताकि लोगों के काम करवा सकें। मैं गोवा के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके काम हुए? वो कह रहे हैं आपके काम कराने के लिए गए थे, उन्होंने आपके काम किए कि अपने काम किए? आप सर्वे करा लीजिए, जो जो एमएलए अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, उनकी एरिया के अंदर, उनकी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर क्या लोग कहते हैं कि उन्होंने लोगों के काम किए? हमारी पार्टी पिछले 1 साल से खूब जमीन के ऊपर घूम रही है, गांव गांव में जा रही है, घर घर में जा रही है, लोगों के बीच में जा रही है, और लोग कहते हैं कि साहब हमारे काम कराने नहीं गए थे ये, या तो पैसे के लिए गए थे या पोजीशन के लिए गए थे। लोग पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे, लोग पूछ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से ये गए थे। और पिछले 10 दिन से गोवा के अंदर जब से हमने ये कैंपेन छेड़ा है, विश्वासघात जो लोगों के साथ, गोवा के लोगों के साथ हुआ, दोनों पार्टियों ने किया और उन एमएलएज ने किया, आई थिंक हमने लोगों की दुखती रग को छेड़ दिया है। हजारों लोग रजिस्टर कर रहे हैं, हजारों लोग कसम खा रहे हैं कि अब इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देंगे, इन दोनों पार्टियों ने दगा किया है। हजारों लोग कसम खा रहे हैं, हजारों लोग नेट के ऊपर मिस कॉल करके वादा कर रहे हैं कि इस बार दोनों पार्टियों को भी और इन एमएलए को भी हम वोट नहीं देंगे, इनको मजा चखाएंगे। गोवा के लोग अब साफ राजनीति चाहते हैं, गोवा वॉन्ट्स चेंज, गोवा वॉन्ट्स क्लीन पॉलिटिक्स। गोवा के लोग भी देख रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने किस तरह इन दोनों पार्टियों को लात मार के एक क्लीन पॉलिटिक्स को, नई किस्म की पॉलिटिक्स को दिल्ली के अंदर जन्म दिया। तो गोवा के लोग पूछ रहे हैं कि अगर दिल्ली में बिजली फ्री मिल सकती है तो गोवा में क्यों नहीं मिल सकती? अगर दिल्ली में बिजली
दिल्ली 24 घंटे मिल सकती है तो गोवा में पावर कट क्यों लगते हैं? अगर दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं, इतने अच्छे सरकारी हॉस्पिटल बन सकते हैं, तो गोवा के अंदर अच्छे हॉस्पिटल, अच्छा इलाज क्यों नहीं मिलता? गोवा के लोग जानना चाहते हैं कि उनको अच्छे स्कूल क्यों नहीं मिलते, अच्छी सड़कें क्यों नहीं मिलती, अच्छा पानी क्यों नहीं मिलता? गोवा के लोग भी क्लीन पॉलिटिक्स चाहते हैं। मुझे बेहद खुशी है, हमने आम आदमी पार्टी बनाई थी राजनीति करने के लिए नहीं बनाई थी, हमें राजनीति करनी नहीं आती है, हम नेता नहीं हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमने पार्टी बनाई थी देश के लिए, सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए। और आज मुझे बेहद खुशी है, मुझे एक टैक्सी वाला मिला, कहता है सर पूरे कोरोना के टाइम में कोई पार्टी हमारी मदद करने के लिए नहीं आई, केवल आम आदमी पार्टी है जो हमें राशन देने के लिए आई, हमसे पूछने के लिए आई, ठीक ठाक हो, घर ठीक चल रहा है, ये हमारी तरफ से थोड़ा राशन ले लो। केवल अकेली आम आदमी पार्टी है जो ऑक्सीमीटर से हमारी जांच करने के लिए आई, केवल आम आदमी पार्टी है जो हमें दवा दारू करने के लिए आई, और कोई पार्टी नहीं आई। तो मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी सपोर्टर्स को, उन सबको, वॉलंटियर्स को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इतने कठिन समय में घर घर जाके लोगों की सेवा की है। उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, क्योंकि कोरोना के टाइम में ये डर था कि कहीं कोरोना हो जाए, उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपनी परवाह किए बिना उन्होंने घर घर जाके लोगों की सेवा की है। लेकिन अब गोवा के लोगों ने मन बना लिया कि उनको भी, गोवा वांट्स क्लीन पॉलिटिक्स, उनको साफ राजनीति चाहिए, उन्हें भी ये भ्रष्टाचार, दल बदलू और ये गंदी राजनीति अब खत्म करनी है। ये पुरानी पार्टियां, पुराने नेता, ये तो इसी किस्म की राजनीति चलेगी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। और अब तो बीजेपी और कांग्रेस में भी फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी वोट दे लो सारे जाके बीजेपी में बैठ जाते हैं। तो लोगों ने मन बना लिया कि इस बार चेंज चाहिए। अभी तक लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, इस बार ऑप्शन है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तेजी से बढ़ती जा रही है, पूरा गोवा के अंदर बढ़ती जा रही है, गांव गांव के अंदर इतने वॉलंटियर्स अब हो गए हैं, तो लोग अब बदलाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम क्या क्या काम करेंगे, आज उसकी मैं पहली गारंटी देने के लिए आया हूं। मतलब गोवा के लोगों के बीच में घूम घूम के हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं। अगली सरकार जब आम आदमी पार्टी की बनेगी तो हम क्या करें लोगों के लिए, लोगों के मोटे मोटे मुद्दे क्या हैं गोवा के अंदर। तो हमारे वॉलंटियर्स, हमारे लीडर्स जनता के बीच में घूम घूम के ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या चाहिए। पिछले एक साल से लोगों के बीच में घूम घूम के पता चला कि लोग बिजली की वजह से बहुत परेशान हैं, बिजली के खूब पावर कट लग रहे हैं। कल शाम को मैं कुछ लोगों के साथ डिनर पे बैठा था, वो ही बता रहे थे, बोले इतने पावर कट लगने लगे हैं दैट वी आर रियली फेड अप। और उन्होंने बताया दैट गोवा इज अ पावर सरप्लस स्टेट, गोवा के पास पावर की कमी नहीं है, पावर है फिर भी बिजली नहीं आती, क्यों नहीं आती बिजली। लोगों के बीच में गए, लोगों ने बताया बिजली बहुत महंगी है, बड़े बड़े बिल आते हैं लोगों के, लोग पे नहीं कर पा रहे, और स्पेशली कोरोना के टाइम में तो लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार चले गए, दुकानें बंद हो गई, तो अब अपने बिजली के बिल कैसे देंगे वो लोग, अपने बिजली के बिलों से परेशान हैं। लोगों ने हमें बताया कि किस तरह से पुराने गलत सलत बिल आए हुए हैं, उसको ठीक कराने के लिए जाते हैं, कोई ठीक नहीं करता, ठीक करने के पैसे मांगते हैं। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और गोवा के लोगों की डिमांड पे आज बिजली के क्षेत्र में मैं अपनी पहली गारंटी देने आया हूं। मेरी गारंटी का मतलब है कि आम आदमी पार्टी इसको करेगी, हमारा ये चुनावी वादा नहीं है,
जिसको चुनाव के बाद दूसरी पार्टी वाले कहते हैं अरे ये तो हमारा चुनावी जुमला था, हमारा चुनावी जुमला नहीं है। केजरीवाल जो कहता है वो करता है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो ये मेरी गारंटी है। तो बिजली के क्षेत्र में मैं आज चार गारंटी देके जा रहा हूं। सबसे पहली गारंटी, हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा। कल जब मैं रात को डिनर कर रहा था, मुझे बताया कि एक एमएलए है यहां पे, उनके यहां अगर आप, उन्होंने एक लेटर बॉक्स बनाया हुआ है, उनके यहां अपना बिजली का बिल अगर आप लेटर बॉक्स में डाल के आ जाएं तो वो बिजली का बिल भर देते हैं आपका। है क्या ऐसा? सो मैं उस एरिया के लोगों को कहना चाहता हूं कि अब आपको इन एमएलए साहब के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद आपको आजादी मिलेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद एमएलए आपका बिल नहीं भरेगा, आपके घर में बिल आएगा, उसके ऊपर लिखा होगा अमाउंट टू बी पेड जीरो। दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में आप यकीन नहीं करेंगे, 73% ऑफ दिल्ली, 73% ऑफ दिल्ली, 73% दिल्ली, दे गेट जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसमें जीरो लिखा होता है, उसमें कोई सरचार्ज नहीं होता, कोई टैक्स नहीं होता, कुछ नहीं, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल। 73% ऑफ दिल्ली गेट्स जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल। एंड आफ्टर टूडेज अनाउंसमेंट, वंस आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, वंस दिस अनाउंसमेंट इज इंप्लीमेंटेड, 87% ऑफ गोवा विल स्टार्ट गेटिंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो पहला वादा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। दूसरा, जैसा मैंने बताया, बहुत इलाकों में हमारे लोग गए, वहां पे देखा लोगों के बिजली के बिल पुराने इतने गलत आए हुए हैं, किसी का कुछ इतने हजार का भेज दिया, किसी का इतने हजार का भेज दिया, फिर वो जाते हैं ठीक कराने के लिए, वो कहते हैं 10,000 रुपए दे दो तब ठीक करेंगे। अब वो ठीक कराने में बेचारे कंज्यूमर की, आम आदमी की नाक में दम हो जाता है। तो पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। वी विल स्टार्ट ऑन अ क्लीन स्लेट, पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। ये हमने दोनों चीजें दिल्ली में करके दिखाई है। जो आज मैं यहां कह रहा हूं, हम पहली बार कोई गोवा में खोखला वादा नहीं, मैं दिल्ली में हम करके आए हैं, एक्सपेरिमेंट करके आए हैं, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, वही गोवा के अंदर भी करेंगे। तीसरी चीज, तीसरी बात की गारंटी, 24 घंटे बिजली देंगे, नो पावर कट। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी थी 2015 फरवरी, मुझे याद है 2014 की गर्मियों में, एक साल पहले, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में। हमारी सरकार, दिल्ली में भी बिजली की कमी नहीं थी, जैसे गोवा इज अ सरप्लस स्टेट, दिल्ली में भी बिजली सफिशियंट थी, लेकिन पावर कट क्यों लगते थे? केबल खराब थी, ट्रांसफार्मर खराब थे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खराब था। यहां आने से पहले मैंने गोवा के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की, वही प्रॉब्लम्स गोवा के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी है। दिल्ली के अंदर मैंने और मेरे पावर मिनिस्टर ने दिल्ली की गलियों के अंदर घूम घूम के खड़े होके पहले 2.5 साल के अंदर हम लोगों ने ट्रांसफार्मर चेंज कराए, केबल चेंज कराया, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन किया। हमें 2.5 से 3 साल लगे, लेकिन आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली मिलती है। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क दैट वी पुट इन। वही काम गोवा के अंदर हमारी सरकार करेगी।
पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। बिजली है लेकिन वो आपके घर में नहीं पहुंच रही है, उसको आपके घर पहुंचाएंगे। और चौथी चीज, चौथी बात, किसानों को बताते हैं यहां पे बिजली देनी पड़ती है, बिजली के पैसे दे। किसान एक बेचारा सबसे गरीब आदमी है, उसको फ्री बिजली दी जाएगी, खेती के लिए किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। तो ये चार बातों की गारंटी, मेरी पहली गारंटी बिजली के क्षेत्र में, अगले महीने फिर आऊंगा आपके बीच में, तब तक हम घूम घूम के गोवा के लोगों के बीच से कलेक्ट करेंगे कि गोवा के लोगों को क्या चाहिए। एक तरह से ये गोवा का एजेंडा तैयार हो रहा है, अगले 5 साल का गोवा का एजेंडा तैयार कर रहे हैं गोवा के लोगों के बीच में घूम घूम के। मुझे यकीन है कि आज की इस घोषणा से सबसे ज्यादा महिलाओं को खुशी होगी, क्योंकि हमारे समाज में घर चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर होती है। आदमी कमा के महीने के अंत में अपनी सैलरी अपनी पत्नी के हाथ में, अपनी माँ के हाथ में रख देता है, और फिर पूरा महीना उनको बेचारी को घर चलाना पड़ता है। बच्चों की फीस है, खाने पीने का खर्चा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तनख्वाह बढ़ती नहीं है, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, तनख्वाह बढ़ती नहीं है। तो आज जो हमने घोषणा की है उससे हर परिवार के अंदर हर महिला के हाथ में थोड़े से पैसे बचने चालू होंगे, और उस पैसे से वो अपने परिवार के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर सकेगी। तो सबसे ज्यादा खुशी मैं समझता हूँ महिलाओं की होगी। थैंक यू। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो। देखिए, ये कोई एक इस चुनाव का मुद्दा नहीं था, पिछले 15-20 साल से गोवा के अंदर आप इस किस्म की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, और केवल गोवा के अंदर नहीं, देश भर में, कर्नाटक के अंदर हमने देखा, मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा कि आप कांग्रेस को वोट देते हो और वो उठ के सीधे बीजेपी में चले जाते हैं, आप इसको वोट देते हो और उठ के सीधे बीजेपी में चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी पार्टी के साथ तो हमने दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी थी, फर्स्ट टाइम जब बनी थी 28 एमएलए थे हमारे, बीजेपी के 32 एमएलए थे, 35 एमएलए चाहिए थे सरकार बनाने के लिए, 3 एमएलए चाहिए थे बस। हमारे 28 एमएलए में से बीजेपी 3 एमएलए भी नहीं तोड़ पाई। उसके बाद जब दूसरी बार सरकार बनी थी हमारे 67 एमएलए थे, बीजेपी खूब प्रचार करती थी ये इतने एमएलए 21 एमएलए हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, फिर इतने ये कर देंगे, इतने खूब कोशिश की उन्होंने, एक एमएलए भी दिल्ली में नहीं तोड़ पाए वो लोग। तो ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के चारों तरफ पूरे देश के अंदर जहां भी हो कांग्रेस को लोग वोट देते हैं? अब मध्य प्रदेश के अंदर तो लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, 1-1.5 साल के अंदर उन्होंने बीजेपी की सरकार बना दी। कर्नाटक के अंदर तो लोगों ने इनकी सरकार बनाई थी, उन्होंने बीजेपी की सरकार बना दी। तो इसके ऊपर लोग विचार करेंगे। ये आवाज हमारी आवाज नहीं है, ये गोवा के लोगों की आवाज है। अगर आप जाके पूछें तो गोवा के लोग ये कह रहे हैं कि ये पुरानी पार्टियां और पुराने नेताओं से भविष्य नहीं बदल सकता। अगर हमें भविष्य बदलना है, वी नीड न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, वी नीड अ न्यू पार्टी, we need new faces, sir, but Goa enough of old parties and enough of old faces. Sir, Goa has a history of defections. ek ek karke ek ek just two itself ke sath mgp ke neta ke sath baithak ki aur charcha ki mgp aisi party hai ki purani party hai jinhone kafi samay raj kiya hai bawajood sabse zyada logon ne mgp ke logon ne dusre party mein jana pasand kiya hai to aap मैं गोवा में आया, मेरे से बहुत सारे पत्रकार मिलने आए,
मेरे से सुदीन साहब भी मिलने के लिए आए। उन्होंने गोवा की राजनीति के बारे में चर्चा की, हमने कोई अलायंस के बारे में तो चर्चा की नहीं है। तो वो मेरे से मिलने के लिए आए, मिलने तो आ ही सकते हैं, आप में से भी बहुत सारे साथी मिलने के लिए आए थे। गोवा की राजनीति के बारे में चर्चा की, मैंने उनको बताया कि दिल्ली में हमने बहुत अच्छे स्कूल बनाए हैं, सुदीन बाब आप आइए देखिए, बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए हैं, हम तो चाहते हैं कि सारे पत्रकार भाई भी आइए देखिए। देखिए मैं यहाँ गया कहूँ मैंने बड़े अच्छे स्कूल बना दिए, मैंने बड़े अच्छे अस्पताल बना दिए, आपको लगेगा वैसी बकवास कर रहा है, नेता है। मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, आप आइए देखिए, ऑल ऑफ यू प्लीज कम, आके देखिए और किसी भी स्कूल में चले जाइए, मेरे से पूछ के मत आइए। आपको ये लगेगा, मैं कल कोई और स्टेट में गया था, वहां कहते हैं साहब कि बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि आपने तो 3-4 स्कूल अच्छे किए हैं बस। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल में एंटर कर जाइए, अगर आपका दिल खुश ना हो जाए। सर, अलायंस की क्या बात है, आप उनके साथ गठबंधन करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? हमारी कोई बात नहीं हुई है इस बारे में, हमारी कोई बात नहीं हुई इस बारे में। Which one? I came to know it was, I am told, firstly it was done by DDA. DDA comes under the central government. Delhi government has no control over it. DDA perhaps went to the High Court. High Court gave an order and DDA has taken that action. Delhi government, our local MLA is involved with the church. Local MLA, हमारे छतरपुर के जो MLA हैं कंवर जी, वो उनके साथ हैं, चर्च के साथ हैं, उनकी जो भी मदद चाहिए हो रही है हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अरविंद जी, I have a question. If there was a stay, it should not have happened. I don't know the legal possibility. कल मैं जब यहाँ पे आया, लैंड किया, तो मुझे बताया गया कि ऐसा कुछ एक्शन हुआ है, मैंने पता करवाया तो पता चला जो मैंने अभी आपको बताया। आई विल गो बैक, आई विल स्टडी, आई कैन ओनली एश्योर यू दैट जस्टिस विल बी डन, वॉट एवर इज राइट विल बी डन। सर सर अरविंद जी, माय फ्रेंड्स नवजोत सिंह सिद्धू, वो तो पंजाब में है। सर नहीं, देखिए मुझे बहुत खुशी होती है आज आम आदमी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है कि हमारे विपक्षी पार्टियां भी हमारी तारीफ करती हैं, विपक्षी नेता भी हमारी तारीफ करते हैं, सो वन फील्स एनकरेज्ड अबाउट इट। थैंक यू सो मच। मैं पत्रकार सर, पुढ़ महीना परत प्रश्न घेऊया, तुम्ही मुद्दा